क्या हो गया? गड्ढा था यार, गिर गया गिर गया रे। तो गाइस आज हम दिखाने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर ईटानगर, जो अरुणाचल का राजधानी होता है, तो इसका नाम ईटानगर कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉगिंग, समझ रहे हो ना। तो अभी आपको लेके जाने वाला हूँ ईटा पोर्ट, यानी ईटा किला भी उसे बोला जाता है। तो इसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि गूगल मैप में वो कहाँ में है। तो हम गूगल मैप को ऑन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से दिखा रहा है 14 मिनट्स, तो हम 14 मिनट्स में यहाँ पहुँचने वाले। तो गाइस आप तो सोच रहा होगा कि इतना खूबसूरत सा पेंटिंग करके रखा है वॉल में, तो ये क्या हो सकता है। ये एक ऑफिस है ईटानगर का, लेकिन क्या ऑफिस है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिस है। इसको बोला जाता है सेक्रेटरिएट। तो गाइस हम जाते जाते बता दूँ कि ये ईटानगर का बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो देखते रहिए। तो हम आते आते पहुँच गया पहाड़ के ऊपर में। तो पहाड़ के ऊपर से ईटानगर कुछ इस तरह दिखाई देता है, तो देखते रहिए। तो गाइस हम पहुंच गए गेट में। तो आप देख सकते हैं ये गेट है, और यहाँ में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, और चलिए मेरा साथ अंदर चलते हैं। तो यार दोस्तों, बहुत समय वेट करने के बाद में गेट खोला, तो हम लोग घुस गया। तो गेट पे मतलब कैमरा से वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस आप देख सकते है ये है मैप ईटा फोर्ट। तो आप लोग आने से ये मैप में मिलेगा कहाँ क्या है, तो आप लोग देख लीजिए आके। लेकिन यहाँ मैं एक बात बोल दूँ, नहीं ऐसा बोलने तो दो, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ यार, भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब तो करने के लिए बोल दो। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको। ये साथ है मेरा दोस्त, तो कुछ बोल देना ना वो ब्लॉग के लिए। हम लोग नया आपका चैनल का नाम क्या है? बी आर बॉयस। बी आर का बॉयस का वो चैनल को आप लोग फॉलो करते हैं। तो आते आते एक ब्रिज भी मिल गया हमको, तो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है। ये लोग कहाँ से आते हैं? अरे उकील जी मजाक कर रहा था, तो बुरा मान गया। अरे सबसे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए ये ब्रिज। जो हम तो यार बहुत ही बड़ा बोल दिया, दुनिया का सबसे बड़ा तो है नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं जा सकता है। तो गाइस देखता हूँ और आगे में क्या है, तो देखते रहता है, चलिए और आगे जाके ढूंढता है। हम तो गिर गया है, अबे ये गिर गया नहीं गिर गया, लेकिन उठ गया, लेकिन वापस से उठ गया। तू हटो तो हमको देखने दो ये क्या है। तो क्या लिख के रखा है ये लोग, यार प्यार करने के लिए आता है या ना, ये पार्क में घूमने के लिए आते हैं। बेचारा गच्ची को तोड़ फोड़ के रख दिया। ये फूल गच्ची का पत्ता में काट के नाम लिख के प्यार जता रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे कैसे भी आता होगा, चलिए अपना काम शुरू करते हैं। यार दीपक बस सोनाली कोई लिख के रखा यार, दोनों यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ में आया था होगा तो घूमने के लिए, तो ये तो इन लोगों ने। तो गाइस हमको मिल चुका है ईटा पोर्ट, तो इसके लिए यहाँ मैं आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही पुराना है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह तो है। इसको बनाने वाला था असम की एक राजा ने बनाया था, लेकिन राजा के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन हम पता करके आपको। तो गाइस मैं इसका ऊपर उठने के लिए कोशिश करता हूँ। दौड़ 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 उठ 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 पक्कर बे पक्कर पक्कर। अबे यार क्या हो गया, गड्ढा था यार, गिर गया गिर गया रे। रुको जरा सबर करो। तो गाइस ईटानगर के अंदर में ईटा का घर तो यही था, तो इसका बीच पे ये ईटानगर का नाम हो गया ईटानगर, तो इसको ईटा किला भी बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ में घूमने के लिए आ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग को सब कुछ मोबाइल में एक ही वीडियो में दिखाने से मतलब दिखाने के लिए असंभव है, तो हम नहीं सक रहे दिखाने के लिए। तो आप लोग भी आइए और आके देखिए। तो यार दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यार आप लोग जहाँ भी घूमने जाए, ये प्लास्टिक का चीज़ को
कहीं मतलब चाहता मत फेंकिए, क्योंकि मेरा देश का व्यू तो बहुत ही खराब होता है। ये इसको आप देख सकते हैं कि कितना कचरा यहाँ में फेंक के रखा हुआ है, तो यहाँ में इसे नहीं फेंकना चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंक के म्युनिसिपल को दे देना चाहिए, तो गाड़ी से ले जाके कहीं दूर फेंक देगा। गाइस आपने तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को तो लाइक किया होगा, तब तो और मिलेंगे दूसरा वीडियो में। तो अभी के लिए चलता हूँ, बाय। तो चलता हूँ।